हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे टॉपिक फेट मैप, जिसे हिंदी में कहते हैं नियति मानचित्र। क्लीवेज टॉपिक के बाद हमने जो ब्लास्टुलेशन टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के ब्लास्टुला पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ योक, कितना योक कंटेंट पाया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीवेज कैसा रह रहा है वहां पर। उसके बाद वाला जो स्टेप है वो है फेट मैप, नियति मानचित्र। हम ये जो नियति मानचित्र है, जो फेट मैपिंग है, हम ब्लास्टुलेशन के अंदर करेंगे कि जो ब्लास्टुला बना है उसके अंदर जो सेल्स पाए जा रहे हैं, जो ब्लास्टोमियर्स पाए जा रहे हैं, वो आगे जाके कौन से ऑर्गन्स का निर्माण कर रहे हैं अलग अलग फेजेस में, उसको विद द हेल्प ऑफ डाइस या फिर कोई भी केमिकल्स या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ऑन दैट बेसिस हम अलग अलग उसको फेजेस में डालेंगे, अलग अलग उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर बेसिक डेफिनेशन फेट मैप की हम देखें, तो ये चार्ट है या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिटेलिंग द फेट ऑफ ईच पार्ट ऑफ एन अर्ली एम्ब्रियो इन द एडल्ट एनिमल। हर एक एडल्ट एनिमल का जो अर्ली एम्ब्रियो है वहां पर हम पहले से ही प्री डिसाइडेड कर लेते हैं, उसका फेट पहले से ही मान लेते हैं कि ये सेल्स आगे जाके या तो अपन कह सकते हैं मीजोडर्म्स का निर्माण करेगी, कौन कौन सी जननिक उपकलाएं हैं, कौन कौन से जर्मिनल जो सेल्स हैं उनका निर्माण करेगी, तो उसको पहले से ही प्रिजम्प्टिव करना फेट मैपिंग कहलाता है। फेट मैप इज अ डायग्राम ऑफ एन एग और ब्लास्टुला इंडिकेटिंग द फेट ऑफ ईच सेल फॉर अ रीजन एट अ लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। वो पहले से ही हम मान रहे हैं, फेट मान रहे हैं सेल का कोई भी रीजन के, कि वो लेटर डेवलपमेंट के बाद कौन कौन से ऑर्गन का फॉर्म करेगी। डायग्राम में भी शो हो रहा है, एनिमल एंड वेजाइटल पोल का अगर हम बताएं तो अलग अलग कलर्ड करे हुए हैं, कि एपिडर्मिस लाइटिश ब्लू कलर का करा हुआ है, ये दूसरा जो डार्क ब्लूइश कलर है वो नर्वस सिस्टम बनाएगा। तो पहले से ही प्रिजम्प्टिव करना कि ये ऑर्गन, ये सेल आगे जाके इस ऑर्गन का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम अलग अलग डाइज लेंगे, उसको अलग अलग कंस्ट्रक्ट करेंगे फेट मैप को, वो पैरामीटर्स हम हमारी स्लाइड्स में पढ़ेंगे। एवरी बायोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टेड मैप ऑफ द ब्लास्टुला बेस्ड ऑन द टैग्ड और मार्क्ड सेल्स। आपने जैसे एग्जामिनेशन की हम बात करें तो हर एक स्टूडेंट अपनी कॉपी में, जो भी आप नोट्स प्रिंट आउट करवाते हैं या जो हैंड रिटन आपके नोट्स हैं, वहां पर आप क्या करेंगे, एक मार्कर डालकर देते हैं, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप मार्क कर लेते हैं। तो वैसे ही जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करेंगे मैप ब्लास्टुला का। किसके बेस पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, बेस्ड ऑन दी टेक्स्ट और मार्क्ड सेल्स। पहले से ही वो मार्क्ड जो सेल्स है उनके बेस पर वो आगे जाके कंस्ट्रक्ट करते हैं मैम। फेट मैप आर एन एसेंशियल टूल इन मोस्ट एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, प्रोवाइडिंग रिसर्चर्स विद इंफॉर्मेशन ऑन विच पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो नॉर्मली बिकम्स विच लार्वल और एडल्ट स्ट्रक्चर। ये सबसे अपन कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण टूल होता है एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि यहाँ पर हम प्योरली एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, जो अर्ली एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं कि वो आगे जाकर क्या कौन सा पार्ट लार्वल स्टेजेस या फिर एडल्ट जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है। तो फेट मैप बहुत एसेंशियल टूल माना गया है एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में, जो रिसर्चर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पहले से ही प्रिजम्प्टिव कर लेते हैं कि कौन सी लार्वल और कौन सी एडल्ट स्ट्रक्चर बनेगी। डायग्राम में भी जैसे उन्होंने पहले कर दिया है कि एक्टोडर्म एपिडर्मिस के वहां से बन रहा है, न्यूरल एक्टोडर्म बन रहा है, मीजोडर्म्स जो बन रहा है वो सोमाइट्स के थ्रू बन रहा है। तो पहले से ही प्रिजम्प्टिव करना विद द हेल्प ऑफ मार्क्ड सेल्स, ये कहलाएगा फेट मैप। फेट मैप की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एवरी रीजन ऑफ द ब्लास्टुला अंडर नॉर्मल डेवलपमेंट एंड कंडीशंस वर रेफर्ड। हर एक एक सामान्य विकास या अपन कह सकते हैं स्थितियों के तहत ब्लास्टुला के प्रत्येक क्षेत्र को देखा जाता है, उसको नॉर्मल कंडीशंस में या उसके नॉर्मल डेवलपमेंट में हम उसके हर एक रीजन्स देखेंगे। इन मेनी ऑर्गेनिजम्स द रेजोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल सेल इज नॉट पॉसिबल, बट वन कैन लेबल अ ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स टू सी व्हाट दैट एरिया बिकम्स इन द एडल्ट ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब, अपन अगर हर एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पर अपन इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत कोशिकाओं का अपन अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इंडिविजुअल सेल्स को हम नहीं देख सकते क्योंकि बहुत सारी सेल्स होती है। तो वहां पर क्या निकलता है कि हम एक लेबल कर देते हैं ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स का, जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं उनको हम लेबल कर देंगे अलग अलग डाइस के थ्रू। तो उससे क्या होता है, आगे जाके वो क्या एरिया या क्या ऑर्गन बनाता है एडल्ट ऑर्गेनिज्म में, वो हमें पहले से पता चल जाता है। तो ये फेट मैप के अंदर होगा। द एनालिसिस ऑफ फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमियर्स आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड क्लीवेज इज कॉल्ड साइटोजेनी।
फर्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं ब्लास्टोमियर्स की, तो उनका अगर हमें मानचित्र बनाना है, फेट मैप बनाना है, तो आफ्टर फर्स्ट और सेकंड क्लीवेज, विदलन के पहले और दूसरे विदलन के बाद अगर ये चीज हो रही है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं साइटोजेनी या फिर सेल लाइनेज स्टडी कहलाता है। एम्ब्रियोनिक रीजन्स विद अ डिस्टेंट फेट आर कॉल्ड प्राइमोर्डिया। जो एम्ब्रियोनिक रीजन है जहां पर एक डिस्टेंट फेट माना गया है, उसे हम कहेंगे रूडिमेंट्स या फिर प्राइमोर्डिया। फेट मैप चेंजेस ओवर टाइम एज सेल मल्टीप्लाई एंड मूव रिलेटिव टू ईच अदर। फेट मैप भी हम कह सकते हैं एक स्थायी नहीं होता है, ये भी चेंज होगा क्योंकि सेल्स का जो अंदर बॉडी के अंदर सेल्स है उनके अंदर भी विदलन हो रहा है, अलग अलग क्लीवेजेस के बाद, डिविजन्स के बाद उनकी भी पोजिशन चेंज होती है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये भी चेंजेस होता है ओवर टाइम, क्योंकि जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, वो भी मल्टीप्लाई हो रही है एंड दे मूव रिलेटिवली टू ईच अदर। एक इधर से उधर वो पूरे एम्ब्रियो के अंदर सर्कल में घूमती रहेगी, उनका अलग अलग मल्टीप्लीकेशन होगा, उस हिसाब से वो चेंजेस रहता है। तो फेट मैप की जो प्रोसेस है वो भी हम कह सकते हैं इट चेंजेस ओवर टाइम। नेक्स्ट बात करें, अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के, कैसे हम मेथड्स अप्लाई करते हैं टू प्रिपेयर द फेट मैप। फेट मैप ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। पहला हम बात कर रहे हैं नेचुरल मार्किंग की, नेचुरल मार्किंग जिसमें हम बात करेंगे ऑब्जर्विंग लिविंग एम्ब्रियोज। इसके अंदर नेचुरल मार्किंग मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म, या अपन एस्केडियन की बात करते हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल से ही लेते हैं कि जो एस्केडियंस होते हैं, ट्यूनिकेट्स हैं, उसमें एक साइंटिस्ट है एडविन, उन्होंने स्टाइला करके एक एस्केडियन लिया जहां पर नेचुरल, उसकी जो सेल्स है उनके अंदर नेचुरल कलर डिफरेंसेस पाए गए, उनके अंदर पिगमेंट नेचुरली ही थे। तो ऑन दैट नेचुरल पिगमेंट उन्होंने अलग अलग ऑर्गन्स को पहले से ही प्रिजम्प्टिव कर लिया कि जो येलो पार्ट है वो आगे जाके मेसोडर्म बनेगा, जो ग्रे पार्ट है वो आगे जाके दूसरी कोई रीजन बनेगा। तो ये चीज हम नेचुरल मार्किंग में पढ़ेंगे। स्टार्ट अगर करें तो सम इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, तो एम्ब्रियो बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड हैविंग द रिलेटिवली फ्यू डॉटर सेल्स दैट रिमेन क्लोज टू वन अनदर। इनवर्टिब्रेट्स अकशेरुकी की अगर बात करते हैं, तो वहाँ के जो एम्ब्रियोज हैं वो बहुत ज़्यादा पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और उनके जो अंदर जो डॉटर सेल्स है वो रिलेटिवली क्या है, एक आपस में क्लोज पाई जाएगी। तो हम वहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन सा रीजन, कौन सा सेल का रीजन आगे जाके ऑर्गन का निर्माण कर रहा है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू लुक थ्रू द माइक्रोस्कोप एंड ट्रेस द डिसेंडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेल टू द ऑर्गन दे यूजुअली फॉर्म्ड। तो इसलिए एक साइंटिस्ट एडविन, उन्होंने स्टडी करा था एस्केडियन, जिसका हमने एग्जांपल दिया है स्टाइला, वहां पर डिफरेंट जो उसकी सेल्स है दे कंटेन नेचुरल कलर डिफरेंसेस पिगमेंट, उनके अंदर नेचुरली ही कलर डिफरेंसेस पाई जाती है, और उसके बेस पर हमने जैसे एग्जाम्पल दिया है द मसल फॉर्मिंग सेल्स ऑलवेज हैव अ येलो कलर। तो उसके बेस पर, नेचुरल कलर के बेस पर ही हमने अलग अलग उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ये वाला पार्ट आगे जाके ये ऑर्गन बनाएगा। तो नेचुरल मार्किंग में जो याद रखने वाली बात है वो साइंटिस्ट का नाम, कि ये एडविन साइंटिस्ट है, इन 1905 स्टडी करा था एस्केडियन का, एग्जांपल है स्टाइला पार्टिटा, जिनों के अंदर नेचुरल कलर डिफरेंसेस पिगमेंट पाए गए थे, उसके बेस पर अलग अलग रीजन उन्होंने फॉर्म्ड करे। कैसे फॉर्म करे, कि एक साइटोप्लाज्म लिया स्टाइला का, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेड डिफरेंसिएशन फोर जर्नल रीजन्स मे बी डिस्टिंग्विश। चार जर्नल रीजन्स पाए गए थे, उनके अंदर जो नेचुरल कलर डिफरेंस पाया गया, कौन कौन से चार रीजन है, लाइट प्रोटोप्लाज्म, पोस्टीरियो वेंट्रल पर येलो क्रीसेंट पार्ट दिखाया गया था, मतलब जो पोस्टीरियस और वेंट्रल साइड है वहां पर येलो कलर का पार्ट दिखाया गया एम्ब्रियो के अंदर, ग्रे क्रीसेंट पार्ट पता गया एंटीरियर डोर्सल साइड के वहां पर, और वेजिटेटिव एरिया पाया गया डार्क ग्रे योकी सब्सटेंस। मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगी कि ये जो चारों पार्ट है उसके बेस पर साइंटिस्ट ने इनको पोस्टीरियो वेंट्रल एंटीरियो डोर्सल के वहां पर कलर पहले से ही प्रिजम्प्टिव कर लिया कि येलो क्रीसेंट पोस्टीरियो वेंट्रल पे पाया जा रहा है, ग्रे क्रीसेंट एंटीरियर डोर्सल पे पाया जा रहा है। बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिफरेंस इन पिगमेंटेशन, जो डेवलपमेंटल फेट है इस रीजन्स का इजिली फाउंड आउट हो सकता है, इजिली निकाला जा सकता है। कैसे, ये चार डायग्राम है, अगर आप ऊपर के दो डायग्राम देखें तो वहां पे जो डार्क ग्रे योकी प्लाज्मा है वो आगे जाकर एंडोडर्म में चेंज हो रहा है, प्रोस्पेक्टिव हम कह सकते हैं एंडोडर्म बनेगा,
ग्रे क्रीसेंट है वो प्रोस्पेक्टिव नोटोकॉर्ड बनता है। नीचे के दो डायग्राम्स में अगर आप देखें तो अपर क्लिया जो प्लाज्मा है वो रिप्रेजेंट करेगा प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल एक्टोडर्म, वहां पर वो एपिडर्मल एक्टोडर्म बनाएगा। एंड जो येलो क्रीसेंट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो आगे जाके प्रोस्पेक्टिव मीजोडर्म बनाएगा। तो ऑन दैट नेचुरल जो उनके कलर पिगमेंट है अलग अलग उनको जर्मिनल लेयर्स का बता दिया कि एक्टोडर्म डार्क ग्रे पार्ट बना रहा है, ग्रे क्रीसेंट अगर पाया जा रहा है तो वो नोटोकॉर्ड का निर्माण करेगा, जो ऊपर से क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है क्लियर प्लाज्मा वो रिप्रेजेंट करेगा प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल एक्टोडर्म, मतलब वो एक्टोडर्म का निर्माण कर रहा है। और जो येलो क्रीसेंट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो आगे जाके मीजोडर्म का निर्माण कर रहा है। तो बेसिकली जो नेचुरल हम बात कर रहे हैं कि नेचुरल मार्किंग में जो हमने एग्जाम्पल लिया है स्टाइला का, उसके एग साइटोप्लाज्म में नेचुरल कलर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो साइंटिस्ट ऑन दैट बेसिस उसको चार रीजन में डिवाइड कर लिया। ये 7 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, डिफाइन नेचुरल मार्किंग टेक्निक इन फेट मैप, तो आप उस हिसाब से डायग्राम के साथ इसके पॉइंट्स समझा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फेट मैप बाय आर्टिफिशियल मार्किंग। अब आर्टिफिशियल मार्किंग में क्या है, वो तो नेचुरल मार्किंग था कि उसकी एक साइटोप्लाज्म में पहले से ही नेचुरली उसके अंदर पिगमेंट पाए गए थे। आर्टिफिशियल मार्किंग मतलब कृत्रिम तौर पर हम कैसे बताएंगे कि आर्टिफिशियली उसको कैसे मार्क करा जाता है। तो आर्टिफिशियल मार्किंग इट डिस्कवर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेट मैप ऑफ एम्फीबियंस। इसके अंदर जो साइंटिस्ट थे वो थे वाटर, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था आर्टिफिशियल मार्किंग के थ्रू फेट मैप। इसमें सबसे पहले जो आर्टिफिशियल मार्किंग का टेक्निक ली थी वो थी वाइटल स्टेन मार्किंग। वाइटल स्टेन मार्किंग में क्या था कि मोस्ट एम्ब्रियोज दे डू नॉट हैव द ट्रांसपेरेंट या फ्यू सेल्स या डिफरेंट कलर्स। हर एक एम्ब्रियो के पास इस तरीके के पॉसिबल नहीं रहता है कि वो ट्रांसपेरेंट हो। कोई कोई ट्रांसपेरेंट भी नहीं होते, कोई कोई के पास कलर्ड सेल्स भी नहीं पाई जाती। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दे एबल टू ट्रेस द फेट ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ एम्फीबियन एग बाय अप्लाइंग वाइटल डाइस। इनके अंदर अलग अलग डाइस का इन्होंने यूज करा था जो इजीली ट्रेस कर पा रहे थे, इजीली उनको मार्क्ड कर पा रहे थे फेट ऑफ डिफरेंट एरियाज। दीज वाइटल डाइस स्टेन द सेल विदाउट किलिंग देम। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो डाइज है वो कोशिकाओं को बिना मारे उनको स्टेन कर रहे थे। नहीं तो कभी कभी ऐसी डाइज भी होती है, बहुत रिएक्टिव डाइज भी आती है कि अगर अपन सेल को वो मार्क करें तो वो सेल डेथ हो जाती है उसकी, तो वो आगे जाके अपन कहते वो डेथ सेल को रिप्लेस नहीं हो पाता है और वो ऑर्गन वहाँ पे प्रॉपर बन नहीं पाता। बट इसके अंदर जो वाइटल स्टेनिंग मार्किंग है, यहाँ पर वाइटल डाइज हम स्टेन कर रहे हैं सेल पर विदाउट किलिंग देम। स्टेप कैसे रहेंगे कि यहाँ पर एक स्मॉल पीस अगार या फिर सेलोफेन लेंगे जो दोनों स्टेन कैरियर कहलाते हैं, बोथ आर स्टेन कैरियर्स एंड स्टेन विथ वाइटल स्टेन, और इन दोनों को हम स्टेन कर देंगे वाइटल स्टेन के द्वारा। अप्लाई द स्टेन्ड अगार इनटू द सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो इन द रिक्वायर्ड पोजीशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब वो स्टेन हो जाता है अगार या फिर सेलोफेन, वहां पर हम उसको सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो पर चिपका देते हैं। डाई डिफ्यूजेस फ्रॉम अगार टू सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड स्टेन एरिया। और धीरे धीरे जो डाई है, जो पीस हमने लिया था अगार का, उसके ऊपर जो डाई है वो डिफ्यूज हो जाती है और कहाँ चली जाती है, सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो पे, जो प्रोड्यूस कर लेता है स्टेन्ड एरिया। Thus, by making several areas possible to follow the movement of gastrulation through continuous observation. और जब वो stained area हो जाता है तो जैसे ही blastulation के बाद gastrulation process आता है, तो gastrulation process आती क्या है, तीनों जननिक उपकलाएं बन जाती है, 3 germinal layers बन जाती है। तो हम continuous उसको observe करके अलग अलग parameter में हम बता सकते हैं कि कैसे mesoderm बना है, कौन सा सेल का एरिया या ग्रुप ऑफ सेल बना है एक्टोडर्म या फिर मीजोडर्म। तो यहाँ पर स्मॉल पीस अगार का या फिर सेलोफेन लेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, वाइटल स्टेन कर देंगे अलग अलग डाई से। डाई कौन कौन सी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, नाइल ब्लू सल्फेट, न्यूट्रल रेड, जैनस ग्रीन एंड बिस्मार्क ब्राउन। आपको ये याद रखना है कौन कौन सी डाइज बेसिकली यूज होती है, क्योंकि यही डाइज है जो सेल को बिना मारे वहां पर उसको स्टेन करेगा। तो ये स्टेप्स है जो वाइटल डाई मार्किंग में यूज में लिए जाते हैं।
एडवांस क्या है इसका कि अपन एडवांटेजेस बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ स्टेन डज नॉट इंटरफेयर नॉर्मल डेवलपमेंट, कि जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है सेल एम्ब्रियो के अंदर, तो अगर हम उसको स्टेन भी कर लेते हैं तो वो किसी भी तरीके को वो बाधित नहीं करेगा, उसका सामान्य विकास होगा। वाइटल डाई रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू द सेल्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन अप डाई, और जो वाइटल डाइज हम बात कर रहे हैं वो उसी सेल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट रहेगी, वो फैलेगी नहीं। मतलब अगर हम मान लीजिए हमने पूरे एम्ब्रियो में अगर मार्क कर लिया ए बी सी एंड डी, तो अगर जो ए वाली डाई है वो बी के अंदर नहीं जाएगी, वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी उसी सेल के ऊपर। एंड द लास्ट इज क्लियरली शोज फेट ऑफ स्टेन्ड एरिया, वो इजिली बता देगी कि ये आगे जाके जो स्टेन्ड एरिया है वो नियति मानचित्र उसका क्या होगा, उसका फेट मैप कैसे होगा, कौन सा ऑर्गन वहाँ पे स्पेसिफिक बन रहा है। तो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ दी वाइटल स्टेन, के प्रेजेंस ऑफ स्टेन इंटरफेयर नहीं करता है नॉर्मल डेवलपमेंट, जो वाइटल डाई है वो रिस्ट्रिक्ट ही रहेगा सेल के ऊपर, वो फैलेगा नहीं वहाँ पर, एंड दूसरा इट क्लियरली शोज द फेट ऑफ स्टेन्ड एरिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल में रेडियो एक्टिव लेबलिंग एंड फ्लोरोसेंट डाइज, यहाँ पर हम डाइज फ्लोरोसेंट डाइज का यूज करेंगे। अ वेरिएशन ऑफ द डाई मार्किंग टेक्निक इज टू मेक वन एरिया ऑफ द एम्ब्रियो रेडियो एक्टिव, मतलब हम यहाँ पे वेरिएशन ला रहे हैं डाई में मार्किंग टेक्निक में, कि जो वो एरिया है एम्ब्रियो का वहाँ पर हम रेडियो एक्टिव बना सकें। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, दो एम्ब्रियोज लेंगे, एक डोनर एम्ब्रियो है और दूसरा है होस्ट एम्ब्रियो। डोनर एम्ब्रियो की अगर हम बात करें, डोनर एम्ब्रियो इज टेकन एंड ग्रोन इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग रेडियो एक्टिव थायमिन, जो डोनर एम्ब्रियो हम ले रहे हैं उसको हम एक सोल्यूशन में ग्रो करेंगे और उस सोल्यूशन के अंदर होगा रेडियो एक्टिव थायमिन, जिसको इनकॉर्पोरेट करेंगे डीएनए ऑफ द डिवाइडिंग एम्ब्रियो। जो सेकेंड एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं वो एक्ट करेगा होस्ट एम्ब्रियो और उसको हम नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करते हैं। बाद में क्या करेंगे हम, द रीजन ऑफ इंटरेस्ट इज कट ऑफ फ्रॉम द होस्ट एम्ब्रियो, जो होस्ट एम्ब्रियो हमने लिया है जिसको नॉर्मल कंडीशन में हमने ग्रो करा है, वहां पर रीजन ऑफ इंटरेस्ट को हम कट कर देंगे एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय अ रेडियो एक्टिव ग्राफ्ट फ्रॉम द डोनर एम्ब्रियो, और हम जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट हमने काटा है उसकी जगह पर हम रिप्लेस्ड कर देंगे रेडियो एक्टिव ग्राफ्ट फ्रॉम द डोनर एम्ब्रियो। इससे क्या होगा, जो सेल्स जो हमने ग्राफ्टिंग करी है, द सेल्स दैट आर रेडियो एक्टिव विल बी डिसेंडेंट्स ऑफ द सेल्स ऑफ द ग्राफ्ट एंड दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑटो रेडियोग्राफी, और बाय द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी वो अलग से ही फ्लोरोसेंट कलर दिखाई देगा, वो रेडियो एक्टिव पार्ट दिखाई देगा सेल्स का, जो हमने कहाँ से लिया था, डोनर एम्ब्रियो के वहां से लिया था। तो ये टेक्निक कहलाती है रेडियो एक्टिव लेबलिंग या फिर फ्लोरोसेंट डाई। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि फ्लोरोसेंट डाई को हमने कैसे होस्ट जो एम्ब्रियो है उसके अंदर डाल के शो करा है अंडर दी ऑटो रेडियोग्राफी। नेक्स्ट बात करेंगे जेनेटिक मार्किंग की, जिसे कहते हैं कार्बन पार्टिकल मार्किंग। हमने दो तरीके की अभी आर्टिफिशियल मार्किंग पढ़ी, जिसमें हमने एक तो वाइटल स्टेन पढ़ा, अलग अलग हमने डाइज पढ़ी, दूसरा हमने रेडियो एक्टिव या फ्लोरोसेंट डाइज पढ़ी। अब हमने पढ़ा है जेनेटिक मार्किंग, जिसके अंदर कार्बन पार्टिकल मार्किंग है। ये इसके अंदर कोई भी तरीके की डाई यूज नहीं होगी, जो कार्बन के अणु है, जो पार्टिकल है, उसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, प्लेस्ड कर देंगे, चिपका देंगे किस पर, सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो पर, और जैसे ही वो चिपक जाते हैं सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो, वो एक्ट करेंगे एज अ मार्कर, वो मार्कर की तरह वहां पर कार्य करेंगे और वो इजीली एक प्रॉपर शेप में फेट मैप वहां पे शो हो जाएगा, कि जैसे जैसे वो मूव करेंगी वहां पर एज अ मार्कर के तौर पर वो फेट मैप के अंदर शो होगा। तो रेडियो एक्टिव एंड वाइटल डाई मार्किंग दे हैव दे ओन ड्रॉबैक्स, जैसे कि अगर डाइल्यूशन की बात करें तो जैसे ही डाइल्यूट करेंगे तो सेल डिवीजन में थोड़ा बहुत वो कमजोर पड़ जाता है। तो बेस्ट एग्जांपल उन्होंने जेनेटिक मार्किंग में लिया है, वहां पे एग्जांपल लिया है क्विरल, जिसको बर्ड कहते हैं, इनसाइड अ चिक एम्ब्रियो। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग टाइनी पार्टिकल्स ऑफ कार्बन टू द सर्फेस ऑफ द एम्ब्रियो, जैसे बताया कि टाइनी पार्टिकल सूक्ष्म अणु जो कार्बन के, उसको एम्ब्रियो की सतह पर, सरफेस पर लगाएंगे। कार्बन पार्टिकल्स स्टिक टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड देन दस बी यूज्ड एज मार्कर्स, और जैसे ही वो चिपक जाते हैं सरफेस पर वो एक्ट करेंगे एज अ मार्कर एंड एनेबल द इन्वेस्टिगेटर्स टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ ईच सेल एंड ड्रॉ अप द फेट मैप, और वो एज अपन कह सकते हैं यूजफुल है
इन्वेस्टिगेटर के लिए कि वो इजीली मूवमेंट, जो सेल का मूवमेंट हो रहा है वो उसको ट्रेस कर सके और एक ड्रॉ बना, एंड दे कैन ड्रॉ अप द फेट मैप. By doing so, fine structure map of the chick brain and structural जो skeleton system है can be made. ये एक बहुत सूक्ष्म अपन कह सकते हैं कि fine structures जो map का हम ले सकते हैं chick के brain, chick का brain बहुत fine structure होता है उसका, तो with the help of genetic marking हम easily draw कर सकते हैं map of the chick brain plus skeletal system, उसका जो skeletal system है उसको भी हम draw करेंगे. This technique was introduced by Spart to demonstrate the process involved in primitive streak formation in chick embryo. Chick embryo के अंदर जो primitive streak बनती है उसको भी हम easily marked कर सकते हैं, बना सकते हैं by the help of genetic marking technique. अब हम ले रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट होता है कि कैसे हमने कंस्ट्रक्ट करा. पहला था नेचुरल मार्किंग, कि हमने नेचुरल मार्किंग जो स्टाइला में पाया गया था जिसे हम कह रहे हैं ट्यूनिकेट, वहाँ पर हमने नेचुरल मार्किंग पिगमेंट देखे थे उसके सेल के अंदर, जो एग है साइटोप्लाज्म का उसके अंदर नेचुरल पिगमेंट पाए गए थे. फिर हमने आर्टिफिशियल की बात करी. आर्टिफिशियल में हमने तीन तरीके की डाइज पढ़ी है. पहला हमने टेक्निक पढ़ी वाइटल स्टेन, जिसमें अलग अलग डाइज यूज करी थी. दूसरा हमने बात करी थी फ्लोरोसेंट डाइज की. तीसरी हमने बात करी थी कार्बन पार्टिकल्स को जो एम्ब्रियो की सतह पर सरफेस पर स्टिक कर लेते हैं. अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स अलग अलग साइंटिस्ट ने फेट मैप बनाया है वर्टिब्रेट्स के. पहला एग्जांपल अगर हम एम्फीऑक्सिस का लें तो जो फेट मैप है एम्फीऑक्सिस का, इट कैन बी ट्रेस्ड एट अर्ली स्टेज प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द क्लीवेज. एक अर्ली स्टेज पर ही उन्होंने फेट मैप बना दिया था एम्फीऑक्सिस का. विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक, जो अभी तक हम टेक्निक्स पढ़कर आए हैं उन्हीं टेक्निक्स के बेस पर उन्होंने पहले से ही प्रिजम्प्टिव कर लिया है कि फ्यूचर जो एंडोडर्मल सेल है जो वेजाइटल पोल की तरफ बनेगी वो बनाएगा फ्लोर या फिर हाइपोब्लास्ट ऑफ द ब्लास्टुला. उन्होंने पहले से ही बोल दिया था, प्रिजम्प्टिव कर लिया था कि जो वेजाइटल पोल के अंदर एंडोडर्मल सेल्स है वो आगे जाकर ब्लास्टुला का फ्लोर या फिर हाइपोब्लास्ट बनेगा. एनिमल पोल का जो एरिया है वो आगे जाकर प्रिजम्प्टिव एंडोडर्मल सेल्स बनेंगे. जो वेंट्रल ग्रे क्रीसेंट एरिया है वो आगे जाकर इट फॉर्म्स द फ्यूचर मेसोडर्म. और जो डोर्सल क्रीसेंट पार्ट है बिटवीन द एक्टो और एंडोडर्म जो पाया जा रहा है, दे गिव राइज टू द नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल सेल्स. तो कहने का मतलब जो साइंटिस्ट है दे फॉर्म द फेट मैप ऑफ एम्फीऑक्सिस ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेक्निक. उन्होंने पहले से ही प्रिजम्प्टिव कर लिए थे एरियाज, और यही एरियाज आपको डायग्राम में शो रहा है कि प्रिजम्प्टिव ऑर्गन फॉर्मिंग एरियाज इन द अनक्लीवेज्ड एग ऑफ एम्फीऑक्सिस. ये भी आप डायग्राम अपने आंसर में प्लॉट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे फेट मैप ऑफ फ्रॉग. जैसे हमने एम्फीऑक्सिस की बात करी, फ्रॉग में ज़ेनोपस हम एग्जांपल ले रहे हैं फ्रॉग का, जिसका 32 सेल स्टेज गिव्स नो इंडिकेशन एज टू हाउ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एम्ब्रियो विल फॉर्म. तो यहाँ पर हम ब्लास्टुला क्यों ले रहे हैं ज़ेनोपस का, क्योंकि 32 सेल स्टेज तक कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है उसका ब्लास्टुला कि वो आगे जाके कौन से रीजन्स को बनाएगा. तो विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स, तो इसके अंदर दो हमने टेक्निक ली. पहला मेकिंग कैसे लिया हमने, कि वन वे ऑफ मेकिंग द फेट मैप इज बाय स्टेनिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो विद द लिपोफिलिक डाइज एंड ऑब्जर्व वेयर द लेबल्ड रीजन एंड अप. पहला उन्होंने जो टेक्निक ली थी वो स्टेन करा था वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ लिपोफिलिक डाई है, और बाद में उन्होंने ऑब्जर्व करा था कि कैसे लेबल्ड रीजन आगे जाके वो ऑर्गन्स को फॉर्म कर रहे हैं. सेकंड अगर बात करें, ये एक सोफिस्टिकेटेड वे है यहाँ पर कि लेबलिंग द ब्लास्टोमियर्स बाय इंजेक्शन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल सच एज रोडामाइन लेबल्ड डेक्सट्रेन, जो पास नहीं कर पाता है सेल मेम्ब्रेन के एंड देयरफॉर रिस्ट्रिक्टेड टू द इंजेक्टेड सेल्स एंड इट्स प्रोजेनी. तो दूसरा एक सोफिस्टिकेटेड वे क्या था, कि उन्होंने लेबल करा था ब्लास्टोमेर को बाय द इंजेक्शंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट. बट इसका ड्रॉबैक क्या था, कि वो सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाता है, देयरफॉर वो स्ट्रिक्टेड रहता है, इट स्ट्रिक्टेड टू द इंजेस्टेड सेल. And these cells can be easily detected later under UV microscope. तो ये दो टेक्निक से हम फेट मैप बना सकते हैं फ्रॉग के, जो ज़ेनोपस की हम बात कर रहे हैं. दोनों डायग्राम्स आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर. एक तरफ जैसे डाइस के थ्रू जो बन रहा है लिपोफिलिक डाइस के थ्रू, दूसरा जो सोफिस्टिकेटेड मैथड बोला कि इंजेक्शन हो रहा है हाई मॉलिकुलर वेट का. ये भी आप अपने आंसर में प्लॉट कर सकते हैं. नेक्स्ट
लास्ट जो फेज है वो है सिग्निफिकेंस, कि फेट मैप का सिग्निफिकेंस क्या रहता है। द फेट मैप आर एसेंशियल टूल इन मोस्ट एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने बताया ये बहुत एक आवश्यक टूल है एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। इट हेल्प्स इन ट्रेसिंग सेल लाइनेजेस, सेल लाइनेज को इजीली ये ट्रेस कर पाता है, बता पाता है। एंड द लास्ट वन इज द फेट मैप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन ट्रेसिंग द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ द सेल्स एंड अल्टीमेट पोजिशन दे टेक अप। मेन जो उसका पॉइंट है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें फेट मैप की, इट इजीली हेल्पफुल इन ट्रेसिंग द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। जो गैस्ट्रुलेशन अवस्था आती है जहाँ पे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होता है सेल का, तो पहले से ही फेट मैप उसको बता देगा, हेल्प कर देगा इन्वेस्टिगेटर को कि आगे जाके ये सेल्स कौन कौन से फॉर्म बना रही है, कौन कौन से लेयर्स बना रही है एम्ब्रियो के अंदर। तो दीज आर दी पॉइंट्स विच यू हैव टू इंक्लूड इन सिग्निफिकेंस ऑफ फेट मैप। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड फेट मैप टेक्निक एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेट मैप्स। थैंक यू सो मच।